नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य की दुनिया में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसा कमाल का वीडियो लेकर आ गया हूं जिसे देखकर आप बेशक बेशक मोटिवेट होगी, बेशक ऐसे लोगों के मन में उम्मीद की किरणें जागेगी जो कि ये सोचते थे कि यार हमारी जिंदगी तो कोई काम की ही नहीं है, ये लॉकडाउन के कारण हमारी जॉब चली गई है या फिर हमारे दोस्त हमारे कजिन या फिर हमारे रिलेटिव इतने सारे पैसे कमा रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, एज इतनी हो चुकी है लेकिन फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जो कि मतलब कम एज के ही है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनकी खुद की एक इच्छा होती है कि यार खुद के पैसे कमाए जाए, पॉकेट मनी घर वालों से मांगने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि मानो या ना मानो YouTube कैन मेक यू रियली वेरी रिच। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि YouTube में आप आकर कैसे सचमुच में बहुत सारे पैसे और बहुत सारे नाम कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मतलब आगे से मैं ये शुरुआत करने वाला हूं, इस वीडियो के आगे से शुरुआत करने वाला हूं कि आप लोग कैसे कोई वीडियो बनाए, कैसे उसे YouTube में अपलोड करें, कैसे कोई अपना पर्टिकुलर चैनल बनाए, एडिटिंग और थंबनेल से लेकर हर एक जानकारी में आने वाले कुछ वीडियोस में देने वाला हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को यह पूरी तरह से समझा देना चाहता हूं कि आखिर YouTube में अर्निंग के सोर्स कैसे होते हैं और आखिर क्यों YouTube आपको कब और कैसे पैसे देता है। अगर आप लोगों को ये सारी जानकारियां चाहिए तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि YouTube एक तरह का आपके लिए एक समझ लीजिए एक जमीन है, ठीक है, मतलब एक प्लॉट है जहां पर घर बनाए जाते हैं। अब YouTube ने आपको वो प्लॉट फ्री में प्रोवाइड करवा दिया है। अब YouTube ये कहता है कि आप उसमें अपना घर बनाओ और उसे अपने रेंट पे दो और जितनी भी कमाई आ रही है वो तुम खुद रखो और उसका बस थोड़ा सा कुछ हिस्सा, थोड़े से परसेंटेज, मतलब आपकी जितनी भी कमाई हो रही है उसके कुछ परसेंटेज मुझे दे दो। मतलब YouTube ने आपको फ्री में जमीन प्रोवाइड करा दिया है घर बनाने के लिए। अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ घर बनाना है और उसे दे देना है किराए पर और उससे जो भी कमाई होगी वो आप खुद रख लेंगे और थोड़ी बहुत जो परसेंटेज होगे वो YouTube अपने पास रख लेगा। समझने में थोड़ा आसान हुआ होगा मुझे लगता है, मैं और आसान तरीके से बताता हूं। YouTube में आपको जैसे मैंने बताया YouTube एक जमीन है, तो YouTube में आप आ गए, आपको घर बनाना है मतलब कि आपको YouTube में चैनल बनाना है। चैनल बनाना बहुत आसान है, मैं वन टू वन मतलब वन बाय वन अपने आने वाले वीडियोस में हर एक स्टेप हर एक तरीका बताऊंगा, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं YouTube के बारे में। दोस्तों YouTube में आप लोगों ने अपना घर बना लिया, मतलब आप लोगों ने अपना चैनल बना लिया, अब उसके लिए आपको घर बनाया है तो इंटीरियर भी डिजाइन करना है ना, इंटीरियर डिजाइन करना है मतलब वीडियोस बनाने, वीडियोस अच्छे अच्छे बनाने। अब बात आती है भाई, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है, हम अच्छे नहीं दिखते हैं या फिर हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास लाइटिंग नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि YouTube ये नहीं कहता है कि आपको बहुत अच्छी लाइटिंग की, बहुत अच्छे कैमरा की या फिर बहुत ज्यादा टैलेंट या बहुत ज्यादा अच्छे दिखने की जरूरत है, नहीं। YouTube सिर्फ इतना कहता है कि आप भैया वीडियो बनाओ और अगर उसको आपकी ऑडियंस देख रही है तो आप पैसे कमाओ। तो दोस्तों देखिए, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, आपको मतलब किसी को हंसाना नहीं आता तो किसी को रुलाना आता होगा, चलो किसी को रुलाना और हंसाना भी नहीं आता है तो किसी का ऐसे एंटरटेन करना आता होगा, या फिर एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते तो मोटिवेट कर सकते हो किसी को, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें बता सकते हो लोगों को, व्लॉग बना सकते हो, व्लॉग मतलब वीलॉग जिसे कहते हैं। व्लॉग में क्या होता है, लोग ना अपनी जिंदगी से रिलेटेड चीजें बताते हैं कि देखो आज मैं ये खाया, आज मैंने ये बनाया, आज मैं यहां पर घूमने गया, ये तो कर सकते हो ना। आपकी जिंदगी में जो नॉर्मल चीजें चली आ रही है उसे तो आप स्क्रीन पर लेके आ सकते हो, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं पर्सनल तौर पर बताऊं ना तो मुझे भी लोगों के व्लॉग देखना बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशनल वीडियो देखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, बहुत सारे लोगों को कॉमेडी प्रैंक्स। तो आप लोग सोच सकते हैं यार कि आप लोग क्या बेटर कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है मतलब टेंशन लेने की, आगे बढ़ो ना, काम करो ना, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं यार। चलो कैमरा नहीं है, नहीं जरूरत है कैमरा खरीदने की, मैंने आज तक नहीं खरीदा, तीन तीन चैनल में रेगुलर ऑपरेट कर रहा हूं लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूं। ये पता लगे कि मेरे पास आईफोन है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास एंड्रॉइड भी है, महंगा वाला भी है या फिर सस्ता वाला भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपके पास कैमरा वाला फोन है और एंड्रॉइड मोबाइल में जिसमें कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ जाते होंगे, एडिटिंग एप्लीकेशन आ जाते होंगे, बस आप वीडियो शूट करो, आसान तरीके से एडिट करो। चैनल बनाना बहुत आसान है यार, मैं बताऊंगा, मैं एडिट करना भी बताऊंगा, मैं वीडियो अपलोड करना भी बताऊंगा, और बस देखते ही देखते आप वायरल हो जाओगे। और दोस्तों, जो लोग वीडियो पहले से बना चुके हैं, चैनल बना चुके हैं, रेगुलरली वीडियोस डाल रहे हैं और उनके व्यूज नहीं आ रहे और वो लोग परेशान है कि यार क्यों हमारे मोनेटाइजेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, मोनेटाइजेशन वाली बात आई, वो भी मैं समझाऊंगा क्या होता है मोनेटाइजेशन, मतलब पैसे कमाना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि यार आप वीडियो बनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे दिखते हो, कितने अच्छे बोलते हो, कितने अच्छे वीडियोस बनाते हो, कितनी क्लैरिटी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। YouTube का एल्गोरिथम जो है वो आपको मतलब पहचानने में थोड़ा टाइम लगाता है, थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और मैं आप लोगों को बोलूं तो 30 वीडियो तक आंख बंद करके काम करो, ये सोचो कि बस हम लोग अपना काम कर रहे हैं, व्यू काउंट में सब्सक्राइबर काउंट में मत देखो। जब आपके 30-40 वीडियो क्रॉस हो जाएंगे ना, उसके बाद YouTube आपको पहचान लेगा, YouTube का एल्गोरिथम आपको पहचान जाएगा, क्योंकि YouTube में लाखों करोड़ों लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब उसमें आपको अपनी पहचान बनानी है तो YouTube को समझ में आना चाहिए ना कि भाई आप रेगुलर वीडियो डाल रहे हो और आपको लोग देखने आ रहे हैं और आप लोग सचमुच में कोई मेहनत कर रहे हो। जब YouTube के एल्गोरिथम को ये समझ में आ जाएगा तो आपके वीडियो अपने आप ऊपर जाने लगेंगे और उसमें व्यूज आने लगेंगे, और व्यू आने लगेंगे तो सब्सक्राइबर आने लगेंगे। अब बात आती है मोनेटाइजेशन क्या होता है, आप पैसे कमाना कब शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि YouTube 1000 व्यू के कितने पैसे देता है, 10,000 व्यू के कितने पैसे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। YouTube आपको व्यूज के पैसे नहीं देता, मैं आपके माइंड में क्लियर कर दूं, आपको कितने भी व्यू आ जाए YouTube आपको व्यूज के पैसे नहीं देगा। सबसे पहली बात, YouTube के पैसे कमाने तक पहुंचने के लिए ना आपको कुछ दो पड़ाव होते हैं वो पार करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पड़ाव जो थोड़ा आसान होता है, मतलब आसान तो नहीं होता लेकिन हाँ आप रेगुलर मेहनत करते रहोगे तो बहुत आसान है, आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और वो जेन्युइन सब्सक्राइबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से पैसे देके सब्सक्राइबर खरीद लिए तो गलत काम है, आपका तो चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, चैनल बंद भी हो सकता है ऐसे गलत काम करोगे तो। आपको सब्सक्राइबर कमाने हैं कंटेंट डाल के, वो कंटेंट लोगों को पसंद आना चाहिए, और बेशक आएगा, आप मेहनत से कुछ भी चीज करोगे ना लोगों को पसंद आना ही आना है। कोई कैमरे की जरूरत नहीं, कोई लाइटिंग की जरूरत नहीं, सिंपल मोबाइल से आप शूट करके वीडियो बना सकते हो। अब जैसे ही आपके 1000 सब्सक्राइबर काउंट पूरे हो जाते हैं तो आपकी दौड़ लग जाना चाहिए 4000 घंटे पूरे करने के लिए, मतलब आपके चैनल में चाहे कितने भी वीडियो डाले हो, कितने भी, वो टोटल मिला के 4000 घंटे तक देखे जाने चाहिए। 4000 घंटे मतलब 240,000 मिनट तक, अप्रॉक्स 240,000 मिनट तक अगर आपके चैनल में जितने भी वीडियो, आप मान लीजिए आपके चैनल में 10 वीडियो हैं, उन 10 वीडियो के मतलब मिनट को काउंट किया जाएगा कितनी कितनी देर तक देखा गया, तो वो मिनट काउंट अगर टोटल 240,000 यानी कि 4000 घंटे हो जाता है और 1000 सब्सक्राइबर काउंट जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो YouTube आपका मोनेटाइजेशन के लिए मतलब आगे बढ़ जाता है। इसके लिए आपको फिर Google AdSense नाम की एक वेबसाइट होती है, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और फिर बस आपका जैसे ही वो मोनेटाइजेशन अप्रूव हो जाएगा, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहती है, थोड़ी सी, सब समझाऊंगा, सब आने वाले वीडियो में सब बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। जैसे ही मोनेटाइजेशन आपका अप्रूव हो गया, आपके वीडियोस में एड आने लगेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे ना लोगों के वीडियो, मेरा भी वीडियो देख रहे होंगे तो अभी आपको एड देखने को मिला होगा, आने को देखने को मिलेगा आगे, तो वो जो स्किप एड वाला आता है ना, वो चीज है, वो चीज से जो यूट्यूबर होते हैं मेरे जैसे लोग, हम सब के जैसे लोग, वो पैसे कमाते हैं, क्योंकि जो जो एडवर्टाइजर है ना वो कमीशन देते हैं। मान लीजिए कि मेरा ये वीडियो है और बहुत सारे एडवर्टाइजर हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कंपनी ब्रांड्स जो होते हैं उनके जो एड्स होते हैं वो ये बोलेंगे कि हाँ मुझे ये जो निखिल ने जो वीडियो बनाया है, और उनको फर्क नहीं पड़ता कि निखिल ने बनाया किसने बनाया, जो मैंने वीडियो बनाया, मैंने जो इसमें कीवर्ड्स यूज किया हूं, टैग्स यूज किया हूं, टाइटल थंबनेल यूज किया हूं, इसके हिसाब से बिडिंग होती है। और फिर जो एडवर्टाइजर होते हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ ये वाला जो टैग था, मतलब हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब फ्रॉम यूट्यूब, तो जो एडवर्टाइजर होगा उसको ऐसा देखना होगा अर्न मनी वाला। अगर अर्न मनी वाला कोई एडवर्टाइजर होगा जो इस टैग के साथ काम करना चाहता होगा तो वो अपना एड मेरे वीडियो पर दिखाएगा, और जब आप वो वीडियो पर वो एड देख रहे होंगे तो उसके पैसे मुझे मिलेंगे। अब स्किप एड कर दिए तो पैसे बहुत नॉमिनल होते, शायद नहीं भी मिलते हैं, लेकिन अगर पूरा एड आप लोगों ने देख लिए तो मुझे पैसे मिल जाएंगे उसके। या फिर अगर आपने वो एड देखकर, वो एड में जो ऊपर वेबसाइट आ रही होगी या नीचे की तरफ वेबसाइट आ रही होगी उसमें क्लिक कर दिए तो उससे भी पैसे मिल जाएंगे।
तो ये होता है दोस्तों। तो जब आपका मोनेटाइजेशन पास हो जाता है तो फिर आपके चैनल में ऐड आने शुरू होते हैं, फिर आप उससे पैसे कमाते हैं, वो ऐड की कमीशन आपको मिलती है, जिस कमीशन का थोड़ा हिस्सा यूट्यूब रख लेता है, थोड़ा हिस्सा आपको मिलता है, ज्यादा हिस्सा आपको ही मिलता है। परसेंटेज के ऊपर मैं फिक्स नहीं हूं कि कितना परसेंट यूट्यूब रखता है, कितना आप रखते हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा आपको पैसा मिल सकता है यूट्यूब से। लिटरली आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैं कितनी अर्निंग कर रहा हूँ यूट्यूब से। तो यार ऐसा तो कुछ बात नहीं है कि मेरे अंदर कोई खास बात है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों के अंदर एक ना एक खास बात होती है, तो उस खास बात का सभी लोगों को यूज करना चाहिए और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब में सिर्फ पैसा ही नहीं, बहुत अच्छा नाम है, मैं ये हमेशा कहता हूं। अब बात आती है कि जब ये सारी चीज आप लोगों ने वीडियो बना लिए, डाल दिए, अब आपको रेगुलर वीडियो डालना पड़ेगा, रेगुलर, तोड़ो मत। मतलब आपके ऑडियंस को ये पता होने चाहिए कि हाँ यार मंडे की शाम को 8 बजे इसका वीडियो आता है, तो आना ही चाहिए, क्योंकि ऑडियंस आपको देखने के लिए आएगी, और वीडियो नहीं आएगा तो इससे आपकी ऑडियंस खत्म होने शुरू हो जाएगी। आपको वही वीडियोस बनाना है जो आपके ऑडियंस को पसंद आ रहे हैं। अब ऑडियंस कहां से आएगी, अब आप लोग बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल बना चुके, वीडियो बना लेते, आप बोलेंगे ऑडियंस ही नहीं आती, नहीं नहीं इतनी आसानी से नहीं आएगी, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऑडियंस आएगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दो और इतनी अच्छी तरह से ऑडियंस आएगी, और एक दिन आपका कोई वीडियो ऐसा वायरल हो जाएगा ना कि आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि यार मतलब ये कैसे हुआ, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आप लोगों के मन में ये आएगा। तो मेहनत करते रहो, और YouTube से मतलब बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे कि मोनेटाइजेशन हो जाते तो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे क्या फायदा, लेकिन दोस्तों स्पॉन्सरशिप भी होता है, जैसे ही आप कुछ हजार सब्सक्राइबर काउंट क्रॉस कर जाते हैं या फिर आपके वीडियोस में अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो जो बड़े बड़े ब्रांड्स है ना वो आपको स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाने बोलते हैं। आप लोग बहुत सारे वीडियो में देखते होंगे कि वीडियो बनाते बनाते अपने वीडियो में लोग एक ब्रांड की चीज ले आते हैं और उसके बारे में थोड़ा प्रमोशन करने लगते हैं, वो करने के लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे, वो कितने पैसे मिलते हैं वो उसके बारे में मैं अपने कोई और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन हाँ आप सिर्फ मोनेटाइजेशन से, एड से ही नहीं, मतलब इन तरीकों से भी पैसे कमा सकते हैं अच्छे खासे। तो बस उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं YouTube से जुड़ी हुई, कि कैसे चैनल बनाना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, कैसे थंबनेल बनाना है, क्या एडिटर का मतलब जो सॉफ्टवेयर ऐप होता है वो यूज करना है, सब 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 ए टू जेड जीरो से स्टार्ट करूंगा। जो चीज के लोग YouTube कोर्स बोलकर पैसे लेते हैं ना, वो मैं नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बिल्कुल नेचुरल तरीके से बताता हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, कोई एक्टिंग नहीं है, क्योंकि मैंने जो फेस किया हूं, मैंने जो किया हूं, वो सब आप लोगों के सामने रख देता हूं दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ऐसे लोगों के साथ जो कि थोड़ा मतलब आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, शायद मेरे इस वीडियो की मदद से उन लोगों की कुछ मदद हो जाए और वो लोगों के मन में भी एक अलग सा मोटिवेशन जाग जाए कि हाँ अब YouTube आ गया है आप लोगों के पास भी, और आप लोग भी रिच बन सकते हैं। फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे और बस कामयाबी की सीढ़ी, कामयाबी की मंजिल आपका इंतजार कर रही होगी दोस्तों। और हाँ बस इतना ही कहना चाहूंगा, मन में कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक आता है जिसे आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो क्लिक करके वहां पर आप जुड़ जाना। और साथ ही साथ बस इतना ही कहना चाहूंगा, जाते जाते चैनल में जो नीचे की तरफ होगा ना एक बेल आइकॉन होगा, उसको दबा देना, बेल आइकॉन को दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो चलिए एक धमाकेदार वीडियो के साथ अगली बार फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।